यात्रा हमारे जगन्नाथ जी पुरी में है। 2-3 साल से लोग पुरी नहीं गए ड्यू टू कोरोना और भी कई सारे गवर्नमेंट का कुछ रेस्ट्रिक्शन था। इस बार रथ यात्रा हो रहा है और इस बार जो रथ यात्रा हो रहा है, कुछ प्रेडिक्टर्स, स्पेशली मालिका के प्रेडिक्टर्स कह रहे हैं आने बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ रहा है जहां 7 साल से 9 साल तक रथ यात्रा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी मालिका के अनुसार युग समाप्ति की ओर आ चुके हैं। बहुत कम दिन है जो कलयुग समापन होगा और सत्य के ओरा में घुसेंगे हम लोग। तो मतलब ये है सत्ययुग चालू होगा। हाँ, नहीं, सारे सिम्टम्स आ चुके हैं ना। सत्ययुग चलने का जो भी सिम्टम्स थे, जो आज से 600 साल पहले हमारे पंच सखा हुए, जो पंच सखा इसके ऊपर भविष्यवाणी किए थे, फोरकास्टिंग किए थे, और वो जो जो कास्ट किए थे 90% घट चुका है। 90% इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो बाकी 10% है और वो बहुत खतरनाक है, जिसमें कहा जा रहा है 7 दिन तक धरती अंधेरा हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जो एस्टेरॉयड है गिरेगा, जिसमें कहा रहा है कि आपका ये जो मोबाइल है सब खिलौना बन जाएगा, लाइन ही नहीं रहेगा तो चलाओगे कहाँ से। जैसे कि मतलब जो डिजिटली काम कर रहे हैं ना, जैसे ऑनलाइन बोल रहा था, डाउन रह रहा है सर्वर। नहीं, सर्वर का बात मत बोलो, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि आपको सत्ययुग में घुसने के लिए कलयुग का सारा चीज जो खेत्री है, यू नो दिस इज, हाँ नहीं बोलो, हाँ मैं डॉक्टर, नमस्कार कर मग्गे कर दी हाँ। तो वो जो स्थिति है अभी वर्ल्ड का, इसमें आप देखो सब कुछ बिखर रहा है, तहस नहस हो रहा है, और एनर्जी अपने आप को ब्लैक होल में सिमट रहा है, और जो पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रो कर रहा है, आप चाह के भी सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर। और इसीलिए आप जैसे कोई बड़े हायर एजुकेटेड आदमी आके बोल रहा है खेती करेंगे, इसलिए बोल रहे हो क्योंकि सब नहीं बोल सकते। आप जैसे पर्सनालिटी, इतना लक्की पर्सन, इतना हायर एजुकेटेड, इतना उच्च का मंगल, उच्च का 11th बृहस्पति लेके, ऐसा आदमी मेरे दृष्टिकोण में कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट या इस प्रकार का रैंक में बैठना चाहिए। वो एक ऑडिट, आप ऑल ओवर इंडिया, अफ्रीका, क्या क्या देश घूम के आए, आप आके बोल रहे हो खेती करेंगे। ये इसीलिए कह रहे हो क्योंकि जो टारगेट ऑफ सतयुग है वो लोग वही ना जाएंगे ना। जैसे ये आ गया मुंबई छोड़ के, बोला जगन्नाथ जी जाना है, तो ऐसे कहा जाता है हमारे उड़ीसा में, रथे तु वामनम दृष्ट्वा ये पुनर्जन्मम न विद्यते, ये आपका मुक्ति हो गया। हम उड़ीसा में 50 साल रह के आज तक रथे तु वामनम दृष्ट्वा नहीं कर पाए। बहुत कोशिश किया, जगन्नाथ जी को रथ में दर्शन करेंगे, नहीं कर पाया, योग नहीं लगा। बाकी टाइम ऐसे ही महीना जाके बैठते हैं, लेकिन रथ के समय नहीं जा पाते। लेकिन ये आदमी चैलेंज लेके आया है, तो इस समय रथ में क्या, रथ यात्रा में इस बार टारगेट बना रहा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट कि करीब है 30 लाख का टारगेट बनाया। तो एक पूरी बहुत बड़ा जगह नहीं है, तो 30 लाख का क्राउड एक जगह में घुसेगा और निकलेगा, तो कितना टाइट बेस हुआ होगा सोचो। और 250 ट्रेन एक्स्ट्रा चला रहे हैं इन एंड आउट के लिए, ठीक है, रोड सारा छोड़, जितना हमारे जो जगन्नाथ जी का फिर से रिबर्थ हुआ था ना, ये कब हुआ था, ये लास्ट 5 ईयर 6 ईयर 2015 में हुआ, तो 2015 में जगन्नाथ रिबर्थ हुआ, उसको बोलते हैं नवो कलेवर। तो उस समय जितना भीड़ नहीं हुआ, इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होने वाला है, तो उसी समय व्यवस्था भी हो रहा है। और जो आप लोग जो सब जाओगे, इतना गर्मी और कोस्टल बेल्ट है, पसीना बहुत निकलता है, तो पानी का प्रबंध करके जाना ये इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, तो इसका व्यवस्था में ज़रूर जाओ। और ये कोशिश करना है कि इन एंड आउट हो जाओ, मतलब रथ यात्रा दर्शन हो गया जगन्नाथ जी का, भागो वहाँ से, और पूरी में हॉल्टिंग का प्लानिंग मत करो। हॉल्ट अगर करना है कम आउट, भुवनेश्वर में भी लॉजेस नहीं मिलेंगे, बहुत भीड़ रहेगा, कटक में सब
कटक तक आ जाओ या अनुगुल तक आ जाओ या ढेंकनाल तक आ जाओ और उस बेल्ट में चले जाओ तो बरमपुर साइड में चले जाओ, 100 किलोमीटर कवर कर लो, आपको अच्छा रहने व्यवस्था हो जाएगा रथ यात्रा के दिन में। ये हमारा टेक्निकल जो बात, कोई नहीं मैं कह रहा हूँ इसके बारे में बात करना था, आपके पास टाइम है अभी? हाँ है ना सर। एक बात ये करना है कि एक दिन पहले जाए या उस दिन जाए? नहीं नहीं, एक दिन का बात मत करो, उसी दिन ही जाने की व्यवस्था, उसी दिन जाना। एक दिन पहले जाने से बालू नदी का समुद्र का बालू में सोना है, ठीक है। लॉज भूल जाओ, वो महीना भर से पहले लॉज बुक हो चुका है, अभी लॉज मिलेगा ना। इवन बोलोगे लॉज के छत के ऊपर दे दो, वो भी नहीं मिलेगा। लॉज के छत के ऊपर एक गद्दी डाल देंगे, उसका कॉस्ट 3,000-5,000 रहेगा, वो भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, नदी का बालू में सोने जाओगे तो जहाँ सोओगे वहाँ पोटी रहेगा, इधर पोटी को देख के सोओगे, सब तरफ भूल, जगह नहीं रहेगा, रोड में सुसु कर करके परेशान, ठीक है। हालांकि रहता है, उठ सारा व्यवस्था रहता है हर एक जगह में एक एक, लेकिन वहाँ कहाँ जगह उतना होगा, फुलफिल हो जाता है। तो तीसरा है कि आपका फूड व्यवस्था बहुत अच्छा होना चाहिए, आप अपना फूड खुद पकड़े रहो, नहीं तो दौड़ोगे इधर उधर। एक दिन रात को यहाँ से निकले मतलब? हाँ, रात को ही, या कटक में रह के कटक से आगे निकले? नहीं, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाती गाड़ी, वो उसका रेंज उतना देर तक ही छोड़ेगा, आगे नहीं छोड़ेगा, बस वहाँ से आपको 20 किलोमीटर रहती है। हाँ, तालाबणी, ठीक है। वो टिकट विकट अभी तो मिलेगा ही नहीं, टिकट भूल जाओ, टिकट मिलेगा अभी 4 दिन में वो पॉसिबल नहीं, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, सारे बुक्ड रहेंगे। आपको कैसे जाना है वो अपना मूवमेंट कर लो, वही पूछ रहा हूँ। आप कार ले सकते हो, 6,000-8,000 का तेल भरेगा, वही आपसे 10,000 का टिकट रहे, गाड़ी रहे, कैसे करे, कैसे वहाँ नहीं, अभी देख लो एक बार, ये होगा तो टिकट कर सकती है, उसका कोई होंगे तो मेरे जैसे टिकट कर दी थी, आप हाथ पैर उठा के चले जाना, ठीक है, ठीक है, यही मेरा कौन था टिकट।